रीजनिंग के इस क्वेश्चन में तीन ऑप्शन एक जैसे हैं और चौथा अलग है, जो हमें फाइंड आउट करके वही आंसर लिखना है। पहले ऑप्शन में देखिए, हम पहले दो डिजिट जो हैं उनका प्रोडक्ट लेंगे और उससे माइनस करेंगे लास्ट के जो दो डिजिट हैं उनका प्रोडक्ट। मतलब हुआ 3 × 4 − 5 × 2, जो आएगा 12 − 10, आंसर मिलेगा 2। सेकंड ऑप्शन में देखिए, पहले दो डिजिट हैं 9, 2, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उससे माइनस करेंगे लास्ट के दो डिजिट का प्रोडक्ट, जो है 8, 2, 18 − 16 मिलेगा और जो अंत में आएगा 2। इसी तरह से तीसरे ऑप्शन में देखिए, 4 × 4 − 2 × 8, 16 − 16, 0 आएगा। चौथे ऑप्शन में भी ऐसे ही करना है, पहले दो डिजिट हैं उनका प्रोडक्ट आएगा 6 × 5 − लास्ट के जो दो डिजिट हैं उनका प्रोडक्ट 7 × 4, हमें मिलेगा 30 − 28, जो 2 वैल्यू देगा। अब इन चार ऑप्शन में देखिए, तीन ऑप्शन में वैल्यू 2 है, पहले दूसरे और चौथे में, लेकिन तीसरे ऑप्शन में वैल्यू 0 है। तो यही ओड वन है और यही आउट होगा, क्योंकि बाकी जगह सेम वैल्यू है, इसमें ही अलग है। तो ओड वन आउट में ऑप्शन 3 सही जवाब होगा।